एक नदी के तट पर बच्चों एक गांव था सुंदर सा। हर जात धर्म के लोग वहां पे सब मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव के एक किनारे माधो धोबी रहता था। माधो के पड़ोस में बच्चों छोटू कुम्हार भी रहता था। माधो छोटू दोनों ने ही एक एक टट्टू पाल रखे थे। प्यार से भैया दोनों उनको मोती राजा कहते थे। माधो और छोटू तो बच्चों दोस्त बहुत ही अच्छे थे। हर सुख दुख में माधो छोटू एक दूजे संग रहते थे। दोनों के टट्टू भी बच्चों दोस्त बने थे एक दूजे के। जब भी काम से फुर्सत पाते बैठ के बातें करते थे। और सुनाओ मोती भाई, क्या हाल चाल है तुम्हारे? क्या बताएं राजा भाई, हम लोगों की तो जिंदगी ही पीठ पर बोझा ढोने के लिए बनी है। दिन भर पीठ पर कपड़े धोते धोते पीठ फकड़ जाती है। अरे राजा भैया, मैं तो फिर भी आराम से हूँ। मेरा मालिक मुझे कितना प्यार करता है। ये तो कोई बात नहीं हुई मोती भाई, प्यार तो मेरा मालिक भी मुझे बहुत करता है। वो तो ठीक है राजा भाई, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे कभी कभी बड़ा अफसोस भी होता है और दया भी आती है तुम्हारे ऊपर। क्यों भाई मोती, आखिर मैं तुमसे किस बात में पीछे हूँ? तुम भी तो पीठ पर बोझा ढोते हो, मैं भी ढोता हूँ। तुम भी घास पात खाते हो, मैं भी वही खाता हूँ। तुम्हारा मालिक तुम्हें प्यार भी करता है और मारता भी है। मेरा मालिक भी मुझे प्यार करता है, फिर क्यों तुम मेरी हालत पर तरस खा रहे हो? ओहो राजा भैया, तुम तो बुरा मान गए हमारी बात का है। मैं तो तुमसे ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मालिक तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करता। वो कैसे? अब देखो ना राजा भैया, मेरा मालिक तो मुझे कभी मान कर नहीं रखता है। मिट्टी लादने ले जाता है तो भी मैं खुला रहता हूँ। लेकिन तुम्हारा मालिक कितना जालिम है। वो जब तुम्हें लेकर घाट पर कपड़ा धोने जाता है, वहाँ तुम्हें रस्सी से बांध देता है ताकि तुम वहीं घास चरते रहो। उसे डर लगता है कि तुम कहीं भाग ना जाओ। इसका मतलब साफ है कि वो तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करता। बात तो तुम्हारी ठीक है मोती भाई, मेरा मालिक मेरे ऊपर वास्तव में ही जुल्म करता है। अब देखो ना, तुम्हारे ऊपर तो सोधी सोधी मिट्टी के बने नए बर्तन लादे जाते हैं और मेरी पीठ पर लोगों के गंदे मैले कपड़े लादे जाते हैं। फिर भी मेरा मालिक घाट पर मुझे रस्सी से बांध देता है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? ये तरकीब ठीक है राजा। सुनो, तुम कल घाट से अपनी रस्सी काट कर जंगल में भाग क्यों नहीं जाते? मैं भी कुछ देर बाद वहीं आ जाऊंगा, फिर हम दोनों आराम से रहेंगे वहीं। मोती हाँ? योजना तो तुम्हारी ठीक है। देखो कल मौका लगते ही मैं कोशिश करता हूँ। चलो चलते हैं।
बुद्धि की बात बिल्कुल ठीक है। आखिर मेरा मालिक मेरे ऊपर विश्वास करता तो मुझे इस तरह से बांध कर क्यों रखता। आज तो मेरा मालिक कपड़े धोने में काफी समय लगाएगा, मौका अच्छा है। आज मैं रस्सी काट कर आजाद होने की कोशिश करता हूँ। अब भागो यहाँ से। वाह वाह, क्या खूबसूरत जंगल है। अब तो मैं पूरी तरह से आजाद हूँ। अब कुछ ही देर में मोती भी आ जाएगा, तब हम दोनों खूब खेलेंगे, घूमेंगे और घास खाकर मोटे हो जाएंगे। ना कपड़ा धोने की मेहनत और ना मालिक के डांट की चिंता। जब तक मोती नहीं आता तब तक मैं पेड़ के नीचे बैठकर एक नींद ले लूं। क्या मोटा ताजा टट्टू है, आज तो अच्छी दावत हो जाएगी। मैं अभी इस पर हमला करता हूँ। चीता भाई तुम मुझे खाना मत चीता भाई। हाँ, खाऊंगा नहीं तो मेरा पेट कैसे भरेगा। लेकिन पहले ये बता, तू इस जंगल में कहाँ से आ गया? पहले कभी तो नहीं देखा मैंने तुझे। चीता भाई मैं पास के गांव से आया हूँ। मेरा मालिक मेरे ऊपर कपड़े लादता था, मैं उससे परेशान होकर भाग आया हूँ। आज ही तो मैं आजाद हुआ और आप मुझे खाने की बात कर रहे हैं। तू गांव का है तब तो तेरा मांस और भी स्वादिष्ट होगा। मैं तुझे जरूर खाऊंगा, तैयार हो जा मरने के लिए। चीता भाई मुझे छोड़ दो। चीता भाई अभी कुछ ही देर में मेरा एक साथी मोती भी आता होगा, वो और मोटा है, तुम उसे खा लेना चीता भाई। अरे वाह, ये तो और अच्छी बात है। मेरे दो दिन के खाने का इंतजाम हो गया। मैं आज तुझे खाऊंगा और कल मोती को। चीता भाई मुझे छोड़ दो। चीता भाई अच्छा ठीक है, तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन तुझे मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। हाँ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तो ठीक है, तुम अपने मालिक के पास वापस लौट जाओ और फिर उसे कभी छोड़कर मत भागना। ठीक है चीता भाई, मैं अभी चला जाऊंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर शाम तक मैं तुम यहाँ से वापस ना गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, फाड़ डालूंगा और तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। अब क्या करूँ, कैसे घर वापस जाऊं? अब तो मुझे रास्ता भी नहीं याद है कि मैं किधर से आया था। इस धोखेबाज मोती के चक्कर में मैंने अपने प्यारे मालिक को छोड़ दिया। माधो खोज रहा राजा को गांव के हर गलियारे में, रो रो करके राजा बच्चों पूरी तरह हुआ बेहाल। तभी देख छोटू कुम्हार को मन में लौटी उसकी याद। छोटू लौटे
रहा था घर को राजा को तब उसने देखा। कान पकड़ कर फिर राजा का ले जाकर माधो को सौंपा। माधो तो था ही गुस्से में तुरंत उठाया उसने डंडा। लगा पीटने राजा को वो टूट गया फिर उसका डंडा। देख पिटाई राजा की मोती लगा फिर जोर से हंसने। देख के हंसता मोती को राजा की अकल भी हुई ठिकाने। समझ गया राजा तब बच्चों नहीं ये उसका सच्चा दोस्त। निकला ये तो दुश्मन मेरा जिसको समझा मैंने दो। फिर तो बच्चों राजा ने भी खाई कसम उसी दिन से। नहीं पतेगा बात में उसकी चाहे कितनी भी हो कड़की। इसीलिए तुम सब भी बच्चों जीवन में बस रखना ध्यान। कौन है दुश्मन कौन है दोस्त सोच समझ करना पहचान। सोच समझ करना पहचान।